सो लेट्स टॉक अबाउट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स, है ना। तो टॉपिक का नाम है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले हम बात करें जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म में बहुत ज्यादा कुछ बताने का है नहीं, वो फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, यानी एनी डिग्री वन इक्वेशन इन एक्स एंड वाई ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। एनी डिग्री वन इक्वेशन इन एक्स एंड वाई ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ओके, एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने लिख दिया x माइनस का 2y प्लस का 3 इक्वल टू जीरो, आप कंपेयर करना चाहें कंपेयर करें। x का कोएफिशिएंट को मैं a कह रहा हूं, y का कोएफिशिएंट को b कह रहा हूं और c मैं कांस्टेंट को बोल रहा हूं, राइट। दूसरी बात, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ओके। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब है कि ये एक लाइन है कोई भी, इस लाइन के ऊपर लाई करने वाला कोई एक पी पॉइंट लाई कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वन कोमा वाई वन है और इस लाइन की स्लोप एम है। मतलब गिवन क्या क्या है, गिवन चीजें क्या क्या है, गिवन है एम जो है इसकी क्या है, स्लोप है, और पी है एक्स वन कोमा वाई वन लाइन ऑन द लाइन, राइट फ्रेंड्स। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ये है, राइट। इसका प्रूफ हमें जानने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि इंपॉर्टेंट इज इट्स एप्लीकेशन। तो इस की मतलब इस तरीके से वैसे आप लेना चाहे प्रूफ इसका मैं बता सकता हूं, कोई इश्यूज नहीं है। मान लो ये पॉइंट एक्स कोमा वाई है, इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो बेसिकली आप सोच के देखे, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है तो ये एंगल थीटा है लेट अस से इसका, तो m यानी tan थीटा इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस का x1, यानी इसको ऐसा लिख दें चाहे y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस का x1। तो यहां से एक निष्कर्ष निकला, क्या निष्कर्ष निकला कि एक लाइन को निकालने के लिए, एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो बातें चाहिए होती हैं। क्या दो बातें चाहिए होती हैं, पहला उसकी स्लोप चाहिए अपने को, ये गिवन हो, और दूसरा अ गिवन पॉइंट लाइन ऑन दैट लाइन। अगर ये दो बातें होंगी तो अपने पास आंसर उसका इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, राइट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने कहा एक लाइन है पासिंग थ्रू 1.2 एंड स्लोप उसकी 1 है, है ना, ये पी पॉइंट है उसके ऊपर लाई कर रहा है लाइन के ऊपर, तो आंसर लिख देंगे आप वाई माइनस का 2 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एम। इस m is equals to 1 की जगह हो सकता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा is equals to 45 डिग्री दे रखा, तब भी आप उससे ग्रेडियंट यानी स्लोप m equals to tan थीटा से निकाल देंगे, तो यानी आंसर आपके पास आ जाएगा y minus 2 is equals to x minus का 1, यानी y is equals to x plus 1 आ जाएगा। That will be the answer to this question. Am I right, friends? चलिए, great, great. यहां तक अपने को बात सारी समझ में आ जाती है। अब बात करते हैं तीसरा फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन की। तो थर्ड फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी दोस्तों, थर्ड फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन हो जाएगी टू पॉइंट फॉर्म। क्या हो जाएगी, टू पॉइंट फॉर्म। अब ये टू पॉइंट फॉर्म क्या है, टू पॉइंट फॉर्म मतलब आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे बात को, कि मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करने वाले दो पॉइंट दिए गए हैं, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करने वाले दो पॉइंट दिए गए, एक पॉइंट ये रहा लेट अस से, एक पॉइंट ये रहा कहीं ना कहीं और एक पॉइंट ये रहा, ठीक। यानी ए पॉइंट है ये लेट अस से x1 comma y1, बी पॉइंट है लेट अस से ये x2 comma y2, और अगर मैं इसकी इक्वेशन की बात करूं लेट अस से कोई भी एक पॉइंट मान लिया मैंने, स्लोप तो मैं निकाल ही सकता हूं, कैसे, अभी अभी हमने सीखा हुआ इसके बारे में, y2 minus का y1 upon x2 minus x1, दो पॉइंट अगर एक लाइन के ऊपर गिवन है तो यहां से बोल सकते हैं। और अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन लिखना चाहूं y माइनस का y1 अपॉन x माइनस का x1 इज इक्वल्स टू m लिख सकता हूं, या फिर मेरा मन आए मैं इसको y माइनस का y2 अपॉन x माइनस का x2 इज इक्वल्स टू m भी लिख सकता हूं, दोनों एक ही चीज है, दोनों से सेम इक्वेशन आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई एम श्योर ये बात क्लियर है, क्योंकि x1 अभी हमने 1 पॉइंट फॉर्म से क्या सीखा, एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो बातें चाहिए होती हैं, दो बातें चाहिए होती हैं, क्या, एक बात हमें चाहिए
पॉइंट लाइन ऑन द लाइन और दूसरा हमें उसकी स्लोप। तो यहां से हमने पॉइंट मान लो आपकी मर्जी x1 y1 मानना है या आपकी मर्जी x2 y2 मानना, कोई भी मान लो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए ग्रेट, तो 2 पॉइंट फॉर्म अपने को समझ में आ गई है। आगे अगर मैं बात करूं, अब मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, डेफिनेशन ऑफ इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? अब इंटरसेप्ट का मतलब है द पॉइंट वेयर द लाइन, जहां पर लाइन कट्स द एक्स एक्सिस, लाइन कट्स द एक्स एक्सिस। इंटरसेप्ट हैज नथिंग टू डू विद द डिस्टेंस, ठीक है ना? एक्स एक्सिस जहां पर काटती है उसको एक्स इंटरसेप्ट कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? एक्स इंटरसेप्ट कहा जाता है। और सिमिलरली वाई एक्सिस पर जहां काटेगी उसको वाई इंटरसेप्ट कहा जाता है, ठीक है ना? डिस्टेंस से इसका कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब, एग्जांपल मान लो x plus y is equals to 3 लिखा, ठीक है ना? तो मैं कहूंगा आप x इंटरसेप्ट निकालने के लिए, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पुट कर दें y equal to 0, y equal to 0 किया तो x की वैल्यू 3 आ गई, यानी x इंटरसेप्ट है। और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए मैं x को 0 कर दूं, x को 0 कर दूंगा तो y इंटरसेप्ट यानी 3 आ जाएगा। तो यानी अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन बनाना चाहूं तो ये आ जाएगी, यानी ये पॉइंट आएगा 3,0, ये पॉइंट आएगा 0,3। तो ये बात समझ में आ जाती है, और ये 0,0 यानी ओरिजिन है। तो ठीक इसी तरीके से अगर मान लो x माइनस का y इज इक्वल टू 7 मैंने लिखा, एक और एग्जांपल लिया मैंने, तो दोस्तों हमें पता है अगर मैं y को 0 करूंगा तो x 7 आएगा, x को 0 करूंगा तो y माइनस 7 आएगा, यानी इस तरीके से ये लाइन बनेगी। और ये पॉइंट आएगा 7,0, ये पॉइंट आएगा 0,-7। तो मैं अगर आपसे यहाँ पूछूं भैया कि x इंटरसेप्ट कितना है, तो आप कहोगे 7, और y इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट कितना है, तो आप कहोगे -7। आई एम श्योर आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है, ये बात 100% क्लियर है सभी को, राइट? तो ये x इंटरसेप्ट हो गया, ये y इंटरसेप्ट हो गया, तो इंटरसेप्ट फॉर्म समझ में आ गया। तो इंटरसेप्ट समझ में आया तो इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में अपन बात कर सकते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म, जस्ट अ सेकेंड, लेट अस टॉक अबाउट द अनदर फॉर्म नाउ। इंटरसेप्ट फॉर्म, अब ये इंटरसेप्ट फॉर्म है क्या? इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए हम बात करेंगे वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये एक इंटरसेप्ट फॉर्म है ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। y is equals to mx plus c is the intercept form of a straight line. I'm sure ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, intercept form कह लें इसको, slope form भी बोल सकते हैं इसे, slope form भी बोल सकते हैं, कि इसको हम ऐसे बना देंगे जैसे कि मान लो ये एक मैंने लाइन बना दी, क्योंकि अभी तो मुझे पता नहीं है हम पॉजिटिव है नेगेटिव है या क्या है, तो मैं स्टैंडर्डली इस तरीके से बात कर लूंगा। अगर तो अगर मैं x को 0 कर दूंगा तो y आएगा c, यानी 0,c आएगा, और y को 0 कर दूंगा तो x की वैल्यू माइनस का c by m आ जाएगी, यानी ये जो पोर्शन है दिस इज द y इंटरसेप्ट, दिस इज द y इंटरसेप्ट। आई एम श्योर आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है। x को 0 करेंगे y इंटरसेप्ट आ जाएगा, y को 0 करेंगे x इंटरसेप्ट आ जाएगा। और अगर यहीं पर ही मैं एक लाइन निकालना चाह रहा हूं विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एक लाइन निकालना चाह रहा हूं पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, तो y इज इक्वल टू एम एक्स लाइन हो जाएगी पासिंग थ्रू 0,0, पासिंग थ्रू 0,0 यानी ओरिजिन। आई एम श्योर ये बात आपको क्लियर है, जैसे कि मतलब लेट अस से ये एक लाइन हो जाएगी 0,0 से पास कर रही है और m उसकी स्लोप हो जाएगी। m की वैल्यू कोई भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर मे बी, राइट? आई एम श्योर इतनी बात क्लियर। अब इस लाइन को अगर मैं मान लीजिए आपके सामने, अब हमें पता है जैसे कि ax plus by plus c equal to 0 है, ax plus by plus c equal to 0 है, ये क्या है, जनरल फॉर्म है, दिस इज द जनरल फॉर्म। इसको अगर मैं इस जनरल फॉर्म को स्लोप फॉर्म में लिखना चाहूं, क्या लिख सकते हैं? आंसर इज यस, लिख सकते हैं। तो by is equals to minus ax minus c, यानी y is equals to minus a by b into x और minus का c divided by b, ये बन गई अपने पास स्लोप फॉर्म। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये जो लिखा है दिस इज द स्लोप,
दिस इज द स्लोप एंड ये जो बन गया दिस इज द वाई इंटरसेप्ट। आप मेरी बात प्लीज ध्यान से समझें, हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले लिखा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक स्लोप फॉर्म होती है या इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सी और ये सी दोनों सेम नहीं है, ये सी जो है यहां पर ये इसके बराबर है, तो ठीक है, यू गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन स्टैंडर्डली हम लोग y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के अंदर में दोनों सी सेम यूज करते हैं, पर वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों सेम है, राइट। वैसे भी हमने क्या बात करी थी, वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए एक्स को जीरो करो, एक्स को जीरो करोगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का सी बाय बी, तो ये क्या है, ये वाई इंटरसेप्ट ही तो है, राइट, गेटिंग माय पॉइंट। और अगर मैं एक्स वाई को जीरो कर दूंगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का, वाई को जीरो कर दूंगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का सी डिवाइडेड बाय ए आ रही है, ठीक है ना। तो ये एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा, ये एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा, ठीक है, तो वो दिस इज गोइंग टू बी दी एक्स इंटरसेप्ट, राइट। आई एम श्योर ये बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से समझे, एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म से कंपेयर करें तो दोनों की आइडियोलॉजीज को समझे अच्छे से, फिर ये बात समझने में कंफ्यूजन नहीं होगी कि उनका सी और इसका सी अलग अलग है या सेम है या क्या है बात यहाँ पर, गेटिंग द पॉइंट। और दोस्तों यहां से हम कह सकते हैं जो स्लोप है वो लिखा जा सकता है, इसको अगर मैं निकालू इसमें स्लोप तो इट इज नथिंग बट माइनस का ए डिवाइडेड बाय बी, और माइनस ए बाय बी को हम लोग कुछ और नहीं क्या लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई, माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ वाई। दिस बिकम्स द आंसर टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ इक्वेशन फ्रॉम द स्लोप फ्रॉम द जनरल फॉर्म आल्सो, और इसमें दिया होगा तो एक्स का जो कोएफिशिएंट है अंडर द कंडीशन वाई का 1 होगा, तो वो डायरेक्टली स्लोप आप बोल सकते हैं। समझ आई बात यहां तक। चलिए अब मैं अगली बात करूं आप लोगों से दोस्तों, तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म के बात करते हैं। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में बात करें अगर दोस्तों, फिर दोबारा मैं कहूंगा इसका एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट, द प्रूफ इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। तो अगर यहां पर बात करी जाए दोस्तों, तो ध्यान से देखें, ये अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया मैंने, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां पर कि मान लो कि ये एक स्ट्रेट लाइन बना दी मैंने, दिस वन, तो मैं ये कहूंगा ये पॉइंट, लेट अस से ये ए कोऑर्डिनेट है ए कॉमा जीरो, और ये पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है जीरो कॉमा बी, और ये पॉइंट है ओ जिसका कोऑर्डिनेट है जीरो कॉमा जीरो यानी ओरिजिन, ये 90 डिग्री है। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म कुछ और नहीं होती है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1, जहां पर ए और बी दोनों नॉट इक्वल टू जीरो है, और ए को कहा जाएगा एक्स इंटरसेप्ट और बी को कहा जाएगा y इंटरसेप्ट। यानी कहने का मेरा मतलब क्या है, x a x इंटरसेप्ट है और b क्या है, y इंटरसेप्ट है। हो सकता है a पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, इंटरसेप्ट के बारे में मैं ऑलरेडी बहुत बोल चुका हूं आप लोगों से कि मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं पूछूं, मान लो ये लाइन दे रखी है और लेट अस से ये 0.3 पॉइंट दिया हुआ है और ये पॉइंट -2.0 दिया हुआ है, तो यहां से साफ-साफ पता चल रहा है दोस्तों कि जो x इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट है यानी a है, उसकी वैल्यू -2 आएगी, और जो y इंटरसेप्ट है यानी जो b है उसकी वैल्यू 3 आएगी। तो इक्वेशन डायरेक्टली आप लिख सकते हैं x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, एंड दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई एम श्योर आप सबको क्लियर है यहां तक बातें, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, x by a plus y by b is equals to 1। ठीक, तो ये बन गई अपने पास कौन सी, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अब डबल इंटरसेप्ट फॉर्म भी समझ में आ गई है, तो मतलब इसके बेस पे तो कोई भी क्वेश्चन लिखा जा सकता है, जैसे कि मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से दे दिया, सिंपल सा क्वेश्चन कि भैया एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताओ पासिंग थ्रू, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताओ जो कि पास कर रही है लेट अस से 1.2 से एंड एक्स इंटरसेप्ट, और जो उसका एक्स इंटरसेप्ट है इज ट्वाइस द y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट इज ट्वाइस द y इंटरसेप्ट, यानी x इंटरसेप्ट कौन है a है, y इंटरसेप्ट कौन है b है, तो a जो है ना दुगना है b का, तो अपन जानते हैं इक्वेशन होती है x by a plus y by b is equal to 1, यानी a की जगह भी आप b पुट कर दें, 2b पुट कर दें, तो x upon 2b plus y upon b
इज इक्वल टू वन, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन 1.2 से क्या कर रही है, पास कर रही है, तो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो 1/2b + 2/b इज इक्वल टू 1, यहां से आप b निकाल दें तो नीचे आ जाएगा 2b और ये कितना आ जाएगा 1 प्लस ये कितना आ जाएगा 4, है ना, 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। यहां से 2b की वैल्यू 5 आ जाएगी, 2b की वैल्यू 5 यानी b की वैल्यू आ जाएगी 5/2 और a की वैल्यू आ जाएगी कितनी 2 टाइम्स यानी 5। तो आंसर आ जाएगा आपके पास इक्वेशन x/5 + y/5/2 इज इक्वल टू 1। यू मे सिंपलीफाई इट डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज रिक्वायर्ड। सो दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑफ डबल इंटरसेप्ट। इसके ऊपर और भी अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं, राइट। आगे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, अब मैं बात करता हूं नॉर्मल फॉर्म की। कौन सी फॉर्म की? नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन की। अब नॉर्मल फॉर्म क्या है? नॉर्मल फॉर्म की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इट इज नथिंग बट, नॉर्मल फॉर्म को एक और नाम कहा जाता है या तो परपेंडिकुलर फॉर्म भी कह देते हैं हम लोग, ठीक। नॉर्मल फॉर्म क्या है? इट इज एक्स कॉस अल्फा, लेट मी राइट इट, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, जहां पर ये सब का मतलब क्या है मैं वो समझा दे रहा हूं। लेट मी ड्रॉ दिस लाइन, लेट अस से ये एक्स और वाई एक्सिस बनाया आपने ने, ये रहा राइट, और लेट मी ड्रॉ दिस लाइन, लेट अस से ये एक लाइन बना दी हम लोगों ने, ये वाली राइट। तो और एक और बात, और यहां से ओरिजिन से मैंने इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे इस तरीके से, वेट अ सेकेंड, ओरिजिन से इसके ऊपर एक लाइन ऐसे बना दी, ये यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो दोस्तों आप ध्यान से सुनने की कोशिश करें, ये मैंने कहा परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये ओ पॉइंट है और ये जो एंगल है दिस एंगल इज अल्फा, राइट। थोड़ा सा यहां पर चीजें अलग हैं, मतलब इनका अलग है जो पहले हम चीजें उसमें कर रहे थे, ठीक। तो ये अगर मैं इसको ओ एम मानूं तो ओ एम क्या है, पी के बराबर है, विच इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द लाइन, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, लेंथ की बात हो रही है, छोटा पी, ये छोटा पी जो है ना ये लेंथ की बात हो रही है, और अल्फा ये एंगल है, अल्फा ये एंगल है जो किसने बनाया, अल्फा इज द एंगल मेड बाय द, आप देख पा रहे हैं साफ साफ समझ में आ रहा है अल्फा कौन सा एंगल है। अल्फा के ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी यहां अलग है, अल्फा की वैल्यू क्लोज्ड जीरो से लेकर के ओपन टू पाई है, मतलब ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं है, अल्फा की वैल्यू क्लोज जीरो से ओपन टू पाई है, यानी कहने का मेरा मतलब ये हुआ दोस्तों, अल्फा क्लोज जीरो से टू पाई है, तो अल्फा इज द एंगल मेड, अल्फा इज द एंगल मेड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस विद द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। You getting the point? मतलब कहने का कि मान लीजिए ऐसा कुछ लाइन की बजाय मान लो यहाँ पर ये लाइन होती और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया होता तो ये एंगल अल्फा है, और मान लीजिए इस तरीके से लाइन होती तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप होता तो ये एंगल अल्फा है एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन, और मान लो ये एंगल हो ये लाइन होती और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड है तो ये जो एंगल है एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये अल्फा है, अल्फा के ऊपर रिस्ट्रिक्शन मैंने आप लोगों को बता दी है। आई एम श्योर आप सबको समझ आई मेरी बात, करेक्ट आया कैसे, फिर दोबारा द प्रूफ इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, स्टिल मैं बता दे रहा हूँ ये a, 0 है और ये b, 0, b है। तो हमें पता है एक स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में x/a + y/b इज इक्वल टू 1 है। तो यहां से हम a की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री लगा करके सिंपल ट्राइंगल ओ एम ए के अंदर में ट्राइंगल और ट्राइंगल ओ एम बी के अंदर में ट्राइंगल ओ एम बी के अंदर में a और अल्फा के साथ रिलेशन निकाल लेंगे, ठीक है ना, a p और अल्फा के बीच में रिलेशन आ जाएंगे, तो वहां से आंसर आपके पास आ जाएगा x cos अल्फा मतलब x by p divided by cos अल्फा आ जाएगा ये, प्लस y by p divided by sin alpha equal to 1,
यानी x cos alpha plus y sin alpha equal to p, यानी a की वैल्यू p upon cos alpha हो जाएगी और b की वैल्यू p upon sin alpha, क्योंकि ये एंगल अल्फा था तो ये वाला एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री माइनस का अल्फा हो जाएगा. आई एम श्योर दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? सो ये हुआ स्लोप, स्लोप फॉर्म नहीं, दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, करेक्ट? तो ये थी नॉर्मल फॉर्म दोस्तों. अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बता दूं, कुछ खास बातें, नोट बना करके आप लिखना चाहें अपने पास लिख सकते हैं. पहली बात, द वेरी फर्स्ट थिंग इज के लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट्स, अगर बोला जाए ऐसा स्टेटमेंट आए एक क्वेश्चन के अंदर में, एक लाइन है जिसके इक्वल इंटरसेप्ट्स हैं, इसका मतलब होता है m की वैल्यू -1 होगी. इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब बेसिकली मान लीजिए ये केस हो गया कि ये और ये तो बराबर ही होंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी बराबर है क्योंकि ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है. लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, मान लो ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये बराबर नहीं होंगे, तो ये वाला केस, तो यहाँ पर 135 डिग्री हो जाएगा एंगल ये, क्योंकि जब ये एंगल और ये एंगल बराबर तो ये 45 डिग्री है और ये भी 135 डिग्री हो जाएगा, तो स्लोप -1 हो जाएगी. एक बात ठीक है ना, तो जब भी ऐसा स्टेटमेंट दिया जाएगा तो आप डायरेक्टली स्लोप एम ले सकते हैं. और मान लो इक्वेशन माननी हो तो आप एक इक्वेशन मान सकते हैं वाई इज़ एम एक्स प्लस सी से वाई इज़ माइनस एक्स प्लस सी, और कोशिश करें लीस्ट कम से कम वेरिएबल्स माने हम, ठीक है ना, राइट? और इसी तरह लाइन इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा, लाइन इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो m = प्लस माइनस का 1. इक्वल इंक्लिनेशन का मतलब ये वाला केस भी होगा, ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा और ये वाला भी हो जाएगा, क्योंकि इक्वल इंक्लिनेशन का मतलब ये एंगल और ये एंगल होगा बराबर, तो 45 होगा, तो ये भी 45 हो जाएगा, तो m की वैल्यू प्लस माइनस का 1 हो जाएगी. और तीसरी बात, कटिंग ऑफ इक्वल नॉन जीरो डिस्टेंसेस, कटिंग ऑफ एक लाइन है जो कि कटिंग ऑफ इक्वल नॉन जीरो डिस्टेंसेस होगी, तब भी m इक्वल टू प्लस माइनस का 1 होगा. इक्वल नॉन जीरो डिस्टेंसेस के केस में भी ये चारों का बातें वैलिड होंगी, क्योंकि मान लो -5 पर काट रही है, -5.0 पर, तो डिस्टेंस तो उसका 5 ही होगा, तो डिस्टेंस बराबर है, तो स्लोप 1 या -1 कुछ भी पॉसिबल है. तो आई एम श्योर ये कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आ गए हैं.